بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم करने के मूड में है माशाल्लाह। इजाजत इकबाल के वो दानाए सुबह वो दानाए वही कुरान वही
फुरकान वही यासीन वही ताहा वो दानाए सुबुल खत्मुर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना तशरीफ। हजरात, आपने खिरात समात फरमाई। खारी थे सैयद रऊफुद्दीन हुसैन साहब। मैंने इब्तिदा में तारुफ करवाना इसलिए मना नहीं समझा कि लोग आते हैं और बैठते हैं तो खिरात होने के बाद अगर मैं तारुफ कराऊं तो ज़रा ज़्यादा लोगों को उनकी वाकफियत होती है। वैसे वो इतने खुशगलू हैं और हमारे यहाँ इतनी पाबंदी से आते हैं कि वो मोहताज तारुफ नहीं है, और फिर भी पाबंद होते हुए पाबंदी से आने में खलल पड़ गया। शायद पिछले दो महीने के बाद आ रहे हों क्योंकि बीच में रमज़ान भी आ गया था। क्या सही है जनाब? तो माशाल्लाह उन्होंने कलाम भी जो है उनवान की मौसूमियत से पेश किया। आज जैसे कि आप वाकिफ हैं हमारी इकबाल शिनासी की 766वीं नशिस्त है, और ये कॉन्फ्रेंस हॉल जामे मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में बरोज़ 13 अगस्त 2014 मुताबिक 16 शव्वाल 1435 हिजरी बाद असर बउनवान कुरान और इकबाल मुनक़िद हो रही है। आज के मुखर्रिर की मैं क्या तारीफ करूं? अगर कोई अगर आपसे मुतारिफ़ ना हो तो उसकी तारीफ वाजबी है, लेकिन ये आज के मुखर्रिर हमारे जनाब मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर साहब के एक जाने माजे इकबालियात के स्कॉलर हैं, और यही नहीं बल्कि हमारे जहां यहां हमारे यहां जो इकबाल अकेडमी है उसके कारगुजार सदर भी हैं। इसके अलावा आप कई जगह से बुलाए जाते हैं और वहाँ पर जो है आपका चर्चा इसलिए है कि वो गैर मामूली अहमियत से खिताब देते हैं। चुनाचे उनके खिताबात को अखबारात भी बहुत ही नुमायाँ तौर पर शाया करते हैं और बहरुल उलूम हैं इकबालियात के बारे में। तो मैं उनको दावत खिताब देता हूँ। अलबत्ता एक दावतनामा है, चूँकि लोग अभी आए नहीं हैं, मैं समझता हूँ ज़ियाउद्दीन नैयर साहब ही आपको उस दावतनामे के बारे में बताएंगे अपने खिताब के अख्तिताम पर। मैं जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने खिताब से नवाजें। نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم। محترم غلام مزدانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ڈاکٹر شمشاد صاحب محترم نانک نشتر صاحب
मोहतरम इफ्तखार साहब, रऊफ़ साहब, बुजुर्गान और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ईद के बाद हमारी ये पहली नशिस्त है और शहर मुबारक जो शहर तिलावत कुरान, कुरान से ख़ास मुनासिबत तमाम मुसलमानों की हो जाती है, तो वो अजीम पयाम से इकबाल ने जो इस्तेफादा किया, तो मेरे जहन में जब शब्बीर साहब ने फ़ोन किया और उन्वान मांगा तो मैंने समझा कि यही, अगरचे कि ऐसा लगेगा कि इस पर बहुत बोला जाता रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उम्र भर भी बोला जाता रहा तो कमी है, उसमें पहलू बहुत ही मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल से शुरू करना चाहता हूँ। पानी है, जब हजरत आदम को दुनिया में भेजा गया तो ज़मीन पर पानी के बारे में मालूम हुआ कि दो काम आ सकता है, एक तो पीने के या बहुत ज़्यादा नहाने के। हैदराबाद में तो हम पानी नहाना बोलते हैं, यूपी वाले हमारा मजाक उड़ाते पानी नहीं तो क्या नहाते। तो दो जो है आदम अलैहिस्सलाम को भी मैं समझता हूँ जमाने में, इब्तदाई जमाने में ये दो ही सूरतें मालूम थी होंगी, लेकिन अल्लाह मियाँ को जो खालिक कायनात हैं जी, उस वक्त वो सब चीजें मालूम थी जो आज मालूम हुई बाद में। यानी इंसान उसमें तरक्की करते हुए H2O मालूम किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अज्जा उसके बारे में, और न सिर्फ वो, अब उसके बुखारा से दुनिया में क्या क्या तरक्की हो रही, क्या क्या काम लाया जा रहा, ये अल्लामिया की नॉलेज में आदम अलैहिस्सलाम के वक्त ही था, लेकिन उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम या उनकी नस्ल को नहीं मालूम था कि पानी के बारे में और क्या है। तो ये चीज है, बहुत गौर फिक्र करके इकबाल ने एक जगह लिखा कि फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, यानी अल्लाह ताला अहसनुल खालिकीन है और उन्होंने इन तमाम चीजों को पैदा किया है। तो कुरान पाक में आज भी जो हम पढ़ते हैं जो है, हो सकता है 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद और कुछ नई चीजें इंकशाफात हो, जिसका इल्म अल्लाह को तो है लेकिन हमें इल्म नहीं है। तो ये तहकीक जुस्तजू जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगी। इसीलिए कुरान की खूबी ये है कि कुरान की खूबी की जो आयत अक्सर हम साइंस वाले लोग इस दलील को पेश करते हैं कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, हम इनको अपनी निशानियां इस निजाम कायनात में और खुद नफ्से इंसानी के अंदर दिखाते जाएंगे यहां तक कि इन पर यह हकीकत वाजे हो जाए कि कुरान वाकई फिल हक है। अब वो कुरान सूरह रहमान की आयत मशहूर है कि खारा पानी और मीठा पानी के दरमियान यखरुजु मिन बैनी रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान व बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, बरज़ख एक पता है लेकिन इधर मीठा है इधर खारा है। साइंटिस्ट बोलता है कि अगर दुनिया में मेरे से पहले कोई वाकिफ ही नहीं था, अगर है तो वाकई ये कुरान अल्लाह की किताब। तो ये इंकशाफात जमाने के साथ साथ होते जाएंगे और कुरान खत्म नहीं होगा, उसके मानी उसकी मारिफ, मानी से ज्यादा मारिफ जो खुलते चले जाएंगे आखिर तक भी जा रहेगी। ये ईमान ये 1400 साल से प्रूव होते आ रहा है, जो चश्मे बीना रखते हैं वो यकीनन इसको समझ गएंगे, इसको समझेंगे। तो इकबाल ने इशारा ये किया फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। अब यहां बोलेंगे आम आदमी सुन के बोलेगा खालिक तो एक ही चल रहा है,
ये अहसनुल खालिकीन और भी कोई खालिक हैं क्या? और भी कोई तखलीक करने वाले हैं क्या? जी मालूम है कि हैं, तो इसलिए कुरान ने कहा ना, और भी तखलीक करने वाले हैं, लेकिन उन तखलीक करने वालों में अहसनुल खालिकीन अल्लाह ताला है। तो मालूम यह हुआ कि इंसान तसव्वुफ की दो वो हैं, एक तो है वहदतुल वजूद का फलसफा और दूसरा है वहदतुल शहूद का फलसफा। शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमा ने उसको पेश किया और इकबाल जो है उसी के ताईद में है। वहदतुल वजूद के मुकाबले में वहदतुल शहूद के इकबाल भी कायल है, शाह वलीउल्लाह भी कायल है। वजूद में यह है कि पानी का खतरा समंदर में मिल जाता है, सब वजूद खत्म, वजूद हम उस्त। और इकबाल कहते हैं नहीं, इंसान की खुदी एक अलग अपनी अपनी है, अपनी मुकाम पर बाकी है, वो खुदाई में जम नहीं होगी, इनफाइनाइट ईगो में वो जब नहीं होगी, अपनी इंफरादी खुदी बाकी रखेगी। खुदा के खुरब से मतलब है कि खुदा में जम होना नहीं है। इकबाल इस नतीजे पे पहुंचते हैं। और हमको ये कहा गया तुखल्लिखु भी अखलाक इल्लाह, तुम अपने अंदर अखलाक इलाही इख्तियार करो। अखलाक इलाही, अल्लाह जो है दरगुजर करता है, हमेशा बंदों को माफ करते रहता है, बल्कि उनकी माफी अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीमुन तुहिब्बुल अफ्व फाफू अन्ना या करीम या सत्तार। हमको शबे कदर की रात, शबे कदर में जो है ये दुआ सिखाई गई कि बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि उसको माफ करना पसंद है और वो माफ करता रहता है। तो तुखली को भी अखला खिला, अल्लाह के अल्लाह जो है लोगों को खिलाता है पिलाता है। हम भी बंदे होने के ऐसे से कोशिश करें कि लोगों को दें, खिलाएं, मिस्किनों को खिलाएं। जी लोगों के अल्लाह ऐबों को छुपाता है, सतारुल उयूब है, उखाजी उल हाजात है। तो सिफात इलाही से इंसान क्या करे, अपने परतों को, उन सिफात इलाही के परतों को अपने अंदर जज्ब करता है। उसी तरह खालिकीन भी खालिक अल्लाह की सिफत है, खालिक अल्लाह की उस परतों को अपने अंदर लेकर आएंगे तो कितनी भी हम तरक्की करें हम नाखिस ही रहेंगे, लेकिन अल्लाह है सनुल खालिकीन। तो इन मारिफ को, इन नुकात को, गहरे इल्मी नुकात को समझने की जरूरत है। बहुत ठंडे दिल से एक आम तकरीर की, जज्बाती तकरीर के तौर पर नहीं कर सकते हम, ये कुरान का मामला है, बहुत ही सोच समझ के हमको जो है ख़त्म रखना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि जब मक्के में ये किताब मुकद्दस नाजिल हुई तो उस वक़्त मक्के में जो है लिखना पढ़ना लोग सिर्फ 17 लोग जानते थे और मदीने में 11 लोग जानते थे। 17 लोग उम्मी उम्मी की हैसियत से कुरान ने मुखातिब किया, क्यों कि जो लिखना और लिखे हुए को पढ़ना नहीं जानते थे, वरना अरबों को बड़ा नाज था महबूब के लबो आरिस शायर बैठे हुए हैं, तो महबूब के लबो आरिस पर का जायजा लेना और अशार कहना और सारी दुनिया को अजमी कहना और अपने आप को अरब कहना, दुनिया को सारी गूंगे, उनको अपनी नमाज इस पे शायरी पर अपने अदब पर उनको नाज था, लेकिन इसके बावजूद वो उम्मी थे, क्योंकि लिखना और लिखा हुआ पढ़ना नहीं जानते थे। उनकी सीना बसीना वो गुफ्तगू चलती थी, उनका हाफिजा बड़ा कवी था। तो अल्लाह ताला ने ऐसे जगहों पर आपको क्या कलाम नाजिल किया, पहले पहले एकदम ये नहीं बोला कि किसी तौहीद को इख्तियार करो, शिर्क की मजम्मत नहीं किया, हालांकि बुनियादी पयाम है। बुनियादी पयाम यह है कि रसूल को हम आखिरी नबी माने,
आपने गारे हिरा में पहली वही में यह ऐलान नहीं किया? अपनी नबूवत के बारे में नहीं कहा, वहदानियत के बारे में नहीं कहा? आपने वहां पर दुनिया में शर और फसाद को मिटाने की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की? आपने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी, यानी पढ़ो, पढ़ने की बात कही। इब्तिदा में यह नहीं कहा कि आपको तौहीद का इख्तियार करना है, शिर्क छोड़ना है, ये बातें नहीं की, बल्कि उससे ज्यादा अहमियत किसको दी गई? पढ़ने को दी गई, इल्म को दी गई। और इल्म की कैसी अहमियत? इल्म की ऐसी अहमियत कि तुम अपने मां की गोद से लेकर महद से लेकर लहद तक इल्म इख्तियार करो। किसी भी मंजिल पर यह मत समझो कि मुझे इल्म बहुत कुछ आ गया है, मैं अल्लामा हो गया हूं। दुनिया में सारे गुरूर काबिल मजम्मत हैं, दुनिया में सारे गुरूर काबिल मजम्मत हैं, चाहे हुस्न का गुरूर हो, शबाब का गुरूर हो, पैसे का गुरूर हो, ताकत का गुरूर हो, इल्म का गुरूर हो, सारे काबिल मजम्मत, लेकिन सब में ज्यादा काबिल मजम्मत इल्म का गुरूर। क्योंकि इल्म का गुरूर आते ही इंसान सीखने के दरवाजा बंद कर लेता अपने आप को, अपना सीखने का दरवाजा बंद कर लेता है अपने आप पर। तो सबसे ज्यादा काबिल मजम्मत गुरूर अगर है तो इल्म का गुरूर है। बहुत हमेशा फरोतनी के साथ, इज्ज़त के साथ, इनकसारी के साथ हम लोगों के सामने शेखी बगारने के लिए, अपने आप को कुरान का आलिम जाहिर करने के लिए इल्म हासिल करे तो नहीं आता ही। सिर्फ हिदायत हासिल करने के इरादे से अगर कुरान पढ़ेंगे तो हिदायत मिलेगी। हम अपनी खुद साख्ता नजरियात की जस्टिफाई करने के लिए कुरान को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे नहीं, हिदायत नहीं मिलेगी। तो हिदायत हासिल करने के लिए सबसे बुनियादी चीज क्या है? इज्ज़ व इंकसारी। और अहलुल्लाह जो है कहते हैं कि भाई सुबह फजर से पहले तहज्जुद के वक्त अगर कुरान आप माने से समझने की पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐन अल्लाह ताला का फजल व करम उन पर हो सकता है कि वो माने खुल जाएं, वो असरार वो रुमूज खुल जाएं। इकबाल की खूबी यही है कि इकबाल पर अल्लाह ने वो असरार खोले इल्म के, वो भी वरना और शायरों की तरह जो जैसा अरब शोरा हुआ करते थे वो भी शायर होते, लेकिन शायरों की कुरान में मजम्मत की गई, ऐसे जो वादी में भटके हुए होते हैं, लेकिन इकबाल के पास वो नहीं था। उनकी उनका सरचश्मे फिक्र जो है वो कुरान पाक था। इससे पहले मैं रिपीट करना नहीं चाहता, बातें आई हैं कि बहादुर आजम के हवाले से वो कब कहते थे, क्या कहते थे, कैसे कहते थे, वो बातें आ चुकी हैं, किताबों में महफूज हैं। तो ये सरचश्मे फिक्र जो है कुरान पाक है, वो मंबा है, इल्म का मंबा वो है, वहां से हमको हिदायत आ सकती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले जो चीज है वो इल्म हासिल करने की तलखीन की गई, पढ़ने की तलखीन की गई। और अल्लमा बिल कलम का अल्फाज बाद में आए कि तुमको इल्म जो है कलम के जरिए सिखाया गया, लिखने पढ़ने की बात आई, और लिखने पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के बाद यह कहा गया कि देखो अल्लाहुम्मा इन फी खल्क़ समावाती वलर्ज़ी वख्तिलाफ़ लैल वन्नहारी ला आयाति लिउलिल अलबाब। उलुल अलबाब बोले तो कौन? साहिबे बसीरत। साहिबे बसीरत को इन फी खल्क़ समावाती, साहिबे बसीरत के लिए आसमानों में और जमीन में और उनके दरमियान में पाई जाने वाली चीजें वो क्या करते हैं? यतफक्करून फी खल्क़ समावाती वल अर्ज़ी वख्तिलाफ़ अल लैल वन नहारी। जो उलुल अलबाब होते हैं
वो जमीन में और आसमान में और इसके दरमियान में तखलीकात में गौर फिक्र करते रहते हैं, उठते बैठते लेटते चलते फिरते उनमें गौर फिक्र करते हैं। आज हम बच्चों को क्या करते हैं, तालीम भी दिला रहे हैं तो बच्चे रटने के आदी हैं, कुछ गौर फिक्र करने के आदी नहीं है। इंक्वायरी को हम हमेशा मजम्मत करते हैं, कोई इंक्वायरी करता है तो बैठो। यह रवैया हमारे दीनी मदारस में भी होता है, हालांकि उनको क्या चाहिए, एनकरेज करें, उनको गौर फिक्र करके तरफ तब्दील आए। उसके बाद गौर फिक्र करने के बाद इंसान ये कहेगा, पुकार उठेगा, रब्बना मा खलकता हाजा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार तूने दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं पैदा। लेकिन अब इंसान का यह काम है कि ये तेरी खिदमत के लिए जो चीजें पैदा की गई हैं, तू सखर लकुम माफिस समावात माफिल, तेरे लिए मुसखर की गई है, तेरा काम यह है कि तू जस्तजू करे, तलाश करे, सब कुछ करे। तो कुरान आने के बाद आपने देखा कि 500 साल के अंदर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जी जाबिर बिन हय्यान पहला केमिस्ट, सिर्फ कुरान का आलिम नहीं था, हम सिर्फ कुरान को समझने से मतलब नहीं, कुरान की आयात किताब में है और ये कायनात में ये आयात सारी अल्लाह की आयात है। ये शजर, ये हजर जी, ये सब कुछ जो है आयात। इसीलिए जब कुरान में ये कहता है जाता है, अफला यंजुरुना इलल इबली कैफ खुलिकत, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते कि ये कैसे पैदा किए गए, ऊंट कैसे पैदा किए गए। तो यहां पर मालूम ही हो रहा कि जूलॉजी की तरफ आपकी जो है गाइडेंस हो रहा है, इंकरेज किया जा रहा है कि जूलॉजी की तरफ आप जो है जाओ, गौर व फिक्र करो। अफला यंजुरुना इल इबली कैफ खुलिकत व इल समाई कैफ रुफियत, तुम जो है एस्ट्रोनॉमी के बारे में गौर करो। वो इलल अर्ज़ कैफ खुलिकत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत, और पहाड़ों की कैसे मेखों की तरह उनको गाड़ दिया गया जमीन के अंदर। जियोलॉजी के बारे में पढ़ो, उसमें मादन है, उसमें कितने किस्म के जो है दौलत जखीरे मौजूद हैं, तुम गौर फिक्र करो। तो ये इंसान जब गौर फिक्र करता है तो वह तख्लीक करता है, इसलिए यहां पर खालिकीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और अहसनुल खालिकीन अल्लाह। इस नुक्ते को समझने की बहुत जरूरत है और समझाने की बहुत जरूरत। अफला यंजुरुना इलल इबली कैफ खुलिकत वल समाई कैफ रुफियत, और देखो आसमान को कैसे जो है हमने बुलंद बगैर सुतून के जो है खड़ा किया। हम तरावी में पढ़ रहे हैं, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम, खत्म खिस्सा, कोई माने मालूम ना, मतलब मालूम ना, कुछ ना, क्या सवाब मिल गया, सवाबी बंदे, इनकलाबी बंदे बनो रे, बोले तो सवाबी बंदे। सवाब है अपनी जगह पर, सवाब है, जन्नत में जाएंगे, हुर्रा मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पहले काम जो है इनकलाबी बंदे भी तो बनना। तुम किस लिए नायब अल्लाह के वाइसराय बना के दुनिया में भेजे गए हैं, और तुम्हारा अपनी जिम्मेदारियों से तुम जो है फरामोश भागते हैं। तो ये चीजें हैं कि इसको आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जो है एनकरेज किया। हम जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्युलर नॉलेज एंड रिलीजियस नॉलेज इज नॉट देयर इन इस्लाम, देयर इज नो क्लासिफिकेशन। आपको क्यों कहा गया, वो मशहूर हदीस है, इन सर्च ऑफ नॉलेज इफ यू हैव टू ट्रैवल टू चाइना यू मस्ट ट्रैवल, और फ्रॉम द यानी मां के गोद से लेकर महे से लेकर आखिर तक। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए तो कुछ लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं और कुछ लोग जो है बैठ के गौर फिक्र कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जाके गौर व फिक्र करने वाले के साथ बैठ गए, और आपने ये फरमाया कि एक साथ का गौर व फिक्र करना 70 साल की इबादत करने से ज्यादा अफजल है। तो गौर व फिक्र तफक्कुर, अफला तदब्बरुल कुरान,
क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? तो अजीजाने ग्रामी, इन नुकात को इकबाल ने बड़े ही कुरान के साथ ऐसे अख्ज किए हैं कि माशाल्लाह इस सदी में इकबाल भी इंसान थे, इकबाल भी गलतियां कर सकते थे, हम उनको वली बना के जो बिल्कुल पीर बना के मुकाम पर न बैठे, लेकिन हम जो है सिर्फ ये हैं कि उन्होंने एक तालिबे इल्माना अंदाज से जो नतायज अर्ज किए, फिर हमको न सिर्फ उस पर गौर व फिक्र करने के लिए बल्कि गौर व फिक्र के अमल को जारी रखने की तरगीब दी इकबाल ने, आगे भी इस पर गौर व फिक्र करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जो सोचा है वह बिल्कुल आखिरी है, उन्होंने कतई नहीं कहा, लेकिन उस अमल पे हमको जो है आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसके लिए एक लाएमल क्या है, ये दुनिया के अंदर इनकलाब लाना है, तब्दीली लाना है। तो जैसे जाबिर बिन हयान का मैंने जिक्र किया, अबू जाफर अल खवारजमी पहला अलजबरा का जो है ईजाद करने वाला, इल्म हंदसा का मालूम करने वाला, तो दुनिया को हमने सब कुछ दिया और देने के बाद सो गए। वरना बेकिन, रॉजर बेकिन को आज जो है दुनिया समझ रही है कि वेस्ट का जो है सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाला आदमी है, लेकिन इन रॉजर बेकिन ने किससे इस्तेफादा किया? तो ये मैं सिर्फ फख्र करने के लिए रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, बल्कि हमको अपना भूला हुआ सबक याद करने की जरूरत है। इसीलिए इकबाल जो है हमारे उलमा से कहते हैं, ए पीरे हरम रस्म रहे खान कही छोड़, ए पीरे हरम रस्म रहे खान कही छोड़, मखसूस समझ मेरी नवाए सहरी का, अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, तू उनको सिखा खारा शिकाफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया जिन्हें फन शीशा गरी का, दिल तोड़ गई उनका दो सदियों की गुलामी, दारू कोई सोच उनकी परेशान नजरी का, कह जाता हूं मैं जोर जुनू में तेरे असरार, मुझको भी सिला दे मेरी आशिफ्त सरी का, इल्म के वो मोती किताबें अपने आबा की, जो देखी उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा, कहां वो इल्म का जौक, कहां स्पेन में लोगों को फख्र करते थे कि मेरे घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, तेरे घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। आज लाइब्रेरियां सो रही हैं, इंडिविजुअल लाइब्रेरी तो छोड़ो, पब्लिक लाइब्रेरी, इकबाल लाइब्रेरी, जो जो लाइब्रेरी है, कहां हमारे लोग जाके पढ़ते हैं, बच्चे कौन पढ़ते हैं? रहा सहा जौक शौक भी इस कंप्यूटर ने तबाह और बर्बाद कर दिया, हालांकि हर अच्छी चीज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम कंप्यूटर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल। तो अजीजाने ग्रामी, हम अपने बच्चों को इस तरफ लाना है कि ये वो पयाम है, दुनिया में जो इनकलाब आया, जो साइंसी तहकीकात में, वो किसकी रहीन मिन्नत है? कुरान मजीद की रहीन मिन्नत है। कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनकी तहकीकात की बुनियाद पर, और हम अपने घर में रखते हुए उससे महरूम है। तो सबसे ज्यादा जुल्म हम किस पे कर रहे हैं? कुरान मजीद पर कर रहे हैं। हम जालिम हैं, कुरान मजलूम है, हम जालिम हैं, कुरान मजलूम है, हम जुल्म कर रहे हैं। अगर जुल्म नहीं करेंगे तो 1400 बरस पहले मुसलमानों की तारीफ क्या थी? इकबाल कहते हैं, देखे तो जमाने को अगर अपनी नजर से, देखे तू अगर जमाने को अगर अपनी नजर से, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से, खुर्शीद करे कस्बे जिया तेरे शरर से, जाहिर तेरी तकदीर हो सीमाए कमर से, दरिया मुतलातिम हो तेरी मौज गुहर से, शर्मिंदा हो फितरत तेरे एजाज हुनर से, अगियार के अफकार व तखय्युल की गदाई, अगियार के अफकार व तखय्युल की गदाई,
क्या तुझको नहीं अपनी खुदी तक भी रसाई? हमको गैरत दिला रहे हैं, ललकार रहे हैं हमारे हमीयत दीनी को कि तुम्हें अभी शर्म नहीं आती अगर तुम अपने रवीश को नहीं बदलते। तो बरादरान अजीज, इसके लिए एक तीन नुकाती फार्मूला इकबाल की फिक्र की रोशनी में, कुरान मजीद की रहनुमाई में हम आपके सामने रखते हैं। इस पे गौर व फिक्र कीजिए। इकबाल के फलसफे खुदी पर हम बहुत सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो कुरान मजीद की 2/3 आयतें वो हैं जो मक्के में नाजिल हुई, 1/3 आयतें मदीने में नाजिल। 2/3 आयतों के अंदर जैसे सूरत शुरा है, सूरत आराफ है 226 आयतों की, ये बड़ी बड़ी सूरतें सब जो है मक्के में नाजिल हुई, लेकिन किसी में भी अल्लाह ताला ने या अय्युह लजीना आमनु करके मुखातिब नहीं किया। जब मदीने गए, मदीने में जो सूरतें नाजिल हुई वहां पर या अय्युह लजीना आमनु कहा गया। ज्यादा से ज्यादा सूरह अंकबूत में आया या इबादी लजीना असरफू, या इबादी लजीना आमनु असरफू अला अंफुसिहिम, या इबादी लजीना आरफ आप मनु के अल्फाज आते थे मक्के में रहने तक, लेकिन जब मदीने में आए तो खिताब क्या होने लगा, या अय्युह लजीना आमनु, वरना 2/3 आयतों में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा। ए ईमान वाल, या अय्युह लजीना आमनु यानी ए ईमान वाल, ए वो लोगो ईमान का दावा करने वालों, या अय्युह लजीना नाफिकु वो लोगो जो निफाक का शिकार है, मुनाफिको बल्कि कुरान ने मुखातिब नहीं किया मदीने में भी। सूरह हुजरात जो है 18 आयतों पर मुश्तमिल है, 18 आयतों में 5 आयतों में या अय्युह लजीना आमनु या अय्युह लजीना आमनु या अय्युह लजीना आमनु 5 मरतबा है। आप जानते हैं तीसरी 3rd हिजरी में ग़ज़वा उहद हो चुका था, अब्दुल्लाह इब्न उबई की क़ियादत में 300 लोग 1000 का लश्कर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद को लेके जा रहे थे कि रास्ते में से क्या किया अब्दुल्लाह इब्न उबई ने, 300 लोगों को उसमें से हटा लिया, 700 लोग जाके ग़ज़वा उहद में शरीक हुए। ऐसे चकमा देने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको जो है या अय्युह लज़ीना आमनु बल्कि मुखातिब किया, है ना, बज़ाहिर तो नमाज पढ़ते थे, दावा तो करते थे, दिल उनके मुनाफिक थे, लेकिन अल्लाह ने उनको भी उसी में शामिल रखा। तो मैं ये नुक्ता इसलिए बयान करना चाह रहा हूं कि ये जो सूरतें हैं, बास सूरतें ऐसी हैं जो बहुत ही इंतहाई जामे हैं, जैसे सूरह अब आयतुल बिर है, आयतुल बिर कौन सी है, लैसल बिर्रंतु वलूजुहकुम क़िबल अलमशरिक वलमगरिबी, नेकी ये नहीं है कि तुम मगरिब या मशरिक की तरफ मुंह फेर लो, लैसल बिर्र अंतु वलूजुहकुम क़िबल अलमशरिक वलमगरिब वलाकिन्नल बिर्र, नेकी हकीकत में ये है, वलाकिन बिर्र वलाकिन लैसल बिर्र अंतु वलूजुहकुम क़िबल अलमशरिक वलमगरिब वलाकिन बिर्र मन आमना बिल्लाहि वल मलाइकती वल किताबी व नबीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, नेकी यह नहीं है कि तुम मगरिब या मशरिक की तरफ मुंह फेर लो, नेकी तो दरअसल यह है कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर ईमान ले आए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करें अपने रिश्तेदारों में और मुस्तहकीन में। ये बड़ी आयत सूरह बकरा में है, इसको आयत अलबिर कहते हैं। उसी तरह सूरह लुकमान का दूसरा रुकू है, बड़ा जामे रुकन है, सूरह असर है, बड़ी जामे सूरत है, उसमें भी 3 आयतें हैं और तीनों आयतों के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन दैट इज एड्रेस टू ऑल मैनकाइंड, सारी इंसानियत के लिए उसमें खिताब है सूरह असर के अंदर।
लेकिन इन उसमें मैं जो आयत पढ़ा आज अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले, वो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102, 103 और 104, ये भी तीन आयतें हैं जो बुनियादी अहमियत की हामिल है। अक्सर जो है हम खुतबे निकाह में उसको सुनते हैं, एक आयत को उसमें से, जुमा के खुतबों में सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हमारा रवैया है वही रहता है, हम जानते नहीं इस बारे में। तो उसमें तीन पॉइंट हैं। तीन पॉइंट कैसे हैं, उसकी मिसाल मैं ऐसा दूं कि आप जो है मस्जिद में जाइए, मेंबर है इमाम साहब जिस पर खड़े रहकर जुमा का खुतबा देते हैं, आमतौर पर तीन सीढ़ियां होते, ये तीन सीढ़ियां हैं हमारा लाएमल जिंदगी का अगर बनाना है तो। इकबाल इसमें हमारी रहनुमाई करते हैं कुरान मजीद की रोशनी में। एक तो है जिसको हम उर्फ आम में खुदी कहते हैं, खुदी को मुस्तहकम करना, खुदी को मुस्तहकम करना। तो उसमें अगर हम ये तीन सीढ़ियों को, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी के अंदाज से नहीं चढ़े, अगर एकदम थर्ड पे चढ़ के बढ़ने की कोशिश करें तो औंधे मुंह गिर जाते। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ता कामयाबी के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहली चीज क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, तुम तक़्वा इख्तियार करो जैसा उसका अल्लाह का तक़्वा इख्तियार करने का हक है। उफ, बोलते साथ ही सहाबा परेशान हो गए, अल्लाह को जो रिक्वायर्ड तक्वा है वैसा तक्वा हम कहां से पता करेंगे, हम गुनाहगार, सहाबा किराम कह रहे हैं। तो फिर अरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो वो तक्वा अल्लाह को जो मतलूब है वैसा तो नहीं करते। तो फिर बाद में एक सूरह अनकबूत में गालबन आया, नहीं तक्वा ऐसा करो जैसा तुम्हें तुम्हारी इस्तेतात है, मन इस्तता का लफ्ज आया वहां पर, कि तुम ऐसा तकवा इख्तियार करो जो इस्तेतात में है तुम्हारी। तो बोले हाँ, अब तो ये जरा मुमकिन है, हम अपनी अपनी इस्तेतात के लिहाज से रोजे रह सकते हैं जी, नवाफिल पढ़ सकते हैं, खैर खैरात कर सकते हैं जी, अच्छे कामों में हिस्सा ले सकते हैं, ये तो अब मुमकिन है। और अहलुल्लाह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी तरबियत कैसी होती है, उनके बारे में हदीस में आया, अर्रिजालु कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल जो है मस्जिद में अटके रहते हैं, मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो कैफियत नहीं होती। वंतुम कुसाला, कुरान में आया एक जगह कुसाला, यानी कसलमंदी से काम लेते हैं, सुस्ती से काम लेते हैं, अजा हो रही है, बातें हो रही है, अरे मैं पढ़ लूंगा फिर जरा कमेंट्री तो देखना है, जरा कुछ हो रहा है जी, और या जो है कुछ खरीदना है जरूरी है। तो ये दुनियादारों की जो है रविश है, लेकिन ईमानदारों की और सही मुत्तकियों की क्या है, अर्रिजालु कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, उनके जो है दिल मस्जिद में अटके रहते हैं कि जब कब बुलावा आता है मैं कब पहुंचता हूं। तो अजीजाने ग्रामी, ये है तरबियत, जब इसको जैसी ईंट होती है, ईंट लाल ईंट देखे होंगे आप आजकल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थर भी होता है ईंट भी होती, उस ईंट की भट्टी के अंदर उसको आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत से मजबूत हो। तो उसी तरह हम खुदी को अपने क्या करना, मुस्तहकम बनाने के लिए अपना रब्त जो है अल्लाह से करीब करना है, लिविंग कॉन्टैक्ट ऑफ गॉड, अल्लाह से जिंदा रब, हय्युन कय्यूम, वो हर लम्हा हमको देख रहा है और ही इज वेरी क्लोज टू अवर जुगुलर वीन, हमारी शहरक से ज्यादा करीब है। तो यहां खुदी की खलवतों में किबरी आई, खुदी की खलवतों में किबरी आई, खुदी की जलवतों में मुस्तफा है। अगर हम
एक शेर इकबाल का इसी को समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि उस कुरान के आरिफ के बारे में, उसकी फिक्र के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कितने कम अल्फाज में कितना बड़े मजामीन बांधे उसे। मैं भी ये भी समझता हूं, ये भी हुजूर अकरम सल्लम से उनके इश्क का नतीजा है, तुफैल है उनको ये जो सआदत मिली। तो पहली स्टेप यही हुई कि इंसान अपने आप को वो भट्टी में तपाए, अपनी खुदी को मुस्तहकम करे, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत बनाए, और मजबूत बनाने के बाद फिर दूसरा स्टेप आता है कि क्या वो है मुस्तफाई का, आवाम जरूरतमंदों की जरूरियात की तकमील मंशाए इलाही की तकमील है। हाजतमंद है, जरूरतमंद है, रोजे खजा हो रहे हैं तो इतने इस्लामी इंपॉर्टेंस है कि आप मिस्कीनों को खाना खिलाओ बोल रहे हैं। जी, और वो मशहूर हदीस सुरफियाम के अंदर अल्लाह मियां बोलेंगे, मियां मैं बीमार था तो आगे मेरी मिजाज पुरसी नहीं करा। बंदा बोलेंगे, अल्लाह मियां आप बीमार कैसा हो सकते, आप हमारे से मजाक कर रहे हैं क्या, आप तो शिफा देने वाले हैं। नहीं मियां, अगर तुम मेरे फला बंदे की इयादत करते तो गया तुम मेरी इयादत करते। अल्लाह अकबर, यह है मुस्तफाई, खुदी की जलवतों में मुस्तफाई है। मेरा फला बंदा भूखा था, मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया, तो बंदा बोलेगा अल्लाह मियां आप तो सबको खिलाते हैं, आप कैसे भूखे रह सकते हैं। नहीं मियां, मेरा फला बंदा भूखा था, उसको अगर खिलाता तो गोया तू मुझे खिलाता। तो इसी तरह एक दूसरे हदीस के अंदर यह जिक्र आया कि एक साहब बोलेंगे मैं बड़ा आलिम था, अल्लाह मियां बोलेंगे ये आलिम साहब को जो है ले जाके गलीता दे के जहन्नुम में फेंक दो। फरिश्ते बोलेंगे अल्लाह मियां आपकी तो इबादत करता था, इतना जाहिर में बातिन में बहुत बहुत कुछ करते, दावे करता था और दावे करता था, लेकिन दुनिया में चाहता यह था कि उसका नाम हो कि मैं बड़ा आलिम हूं, बड़ा मुफक्किर हूं, बड़ा दानिशमंद हूं, क्या क्या था वो सब दुनिया में उसको मिल गया। अब यहां उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं है, लिहाजा थ्रो हिम इनटू फायर। उसी तरह एक सखावत करने वाला, जिनकी सखावत के दुनिया में बड़े चर्चे थे, जकात की सियाना तकसीम करते, एक वक्त पीने तो दूसरे वक्त काम नहीं आती जी, और दिखा दिखा के देते। सकात दिखा के देने की भी तरगीब है, अलानियतन उसरियन, लेकिन सकात तो दिखा के देना क्योंकि उसका हुक्म है, और दीगर और सदकात और इन्फाक फी सबीलिल्लाह हो रहा तो छुपा के देना ताकि नफ्स मोटा ना हो, अपना नफ्स ये ना कहलाए कि मैं बहुत मुखय्यर आदमी हूं, ये ना हो तो लोग तारीफ नहीं करें, बल्कि हम जो है जजा इसकी अल्लाह से लेने की कोशिश करें। सूरे दहर के अंदर बड़ी तड़पाने वाली आयत है, इन्नमा नुत्रिमुकुम, हम उनको खिलाते हैं लेकिन हम ना आपसे, आयत याद है किसी को, इन्नमा नुत्रिमुकुम, हाँ लिवजिल्ला, हम खिलाते हैं अल्लाह की खातिर, लिवजिल्ला, हम ना तलबगार हैं तारीफ के, हम ना किसी जो है जजा हासिल कर देना चाहते। इन्नमा नुतिमकुम लिवजिल्ला ला नुरीदु मिनकुम जजाउं वला शुकूरा, हम ना उससे जजा हासिल करना चाहते हैं और ना तुमको जो है हमारा शुक्रिया अदा करो बोल के बोलते। खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, देखिए आप कैसे इस्लाम ने कैसी वो की है, कैसी तरबियत की है, इनफरादी तौर पर आदमी अपनी खुदी मुस्तहकम करे, कैसा खुदी, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तय फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह,
कि दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद जिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुनिया के अंदर फरेब है, ये शोहरत मिलने का, तमन्ना का, जी ये सब फरेब है, कुछ नहीं है। ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवन, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है जमानो मकान की जुन्नारी, ये है न है जमाना मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजा ला इलाहा इल्लल्लाह। यह है खुदी, यह है इसमें तालीमात। ये सब कहां से अक्स करता है? कुरान मजीद से अक्स करता है। इकबाल कुरान से जो है इस्तेफादा करते हुए कहा है। तो दूसरे हम नुक्ते पे आए थे, पहला तो खुदी का हुआ, दूसरा जो है सिर खुदी के पदार्थ रुमूज बेखुदी पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। ये रुमूज बेखुदी है, मिस्कीनों की, अपने साथियों की, अपने पड़ोस की, अपने रिश्तेदारों की खुद का ख्याल रखना, खिदमत खल्क। खिदमत खल्क की बड़ी अहमियत है, हम जो है इसको बिल्कुल फरामोश कर दिए। इस खिदमत जात, अपनी जात के लिए जितना हो सकता है अपने लिए जीना, अपने लिए करना, तो ये बड़ा। अगर ये सब चीजें हैं तो उसके बाद क्या है आखिर का फर्ज? तीसरी जो आयत थी वो आयत ये बुला तकुनु का लजीन तफरखू वख्तलफू विम्बादी माजात मुलबीनात वला तकुनु का लजीना, उन लोगों की तरह ना हो जाओ, तफरखू वख्तलफू, जो आपस में इफ्तराक का शिकार करते हैं, आपस में इत्तेहाद को खत्म करते हैं और छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी टुकड़ियां बनाते हैं। वला तफरखू वख्तलफू, और इख्तलाफात को मत पैदा करो। मिम्बादी जाओ हम बिना, जबकि कुरान में वाजे बातें आ गई। अगर हम कुरान को लेकर, कुरान के मफाहिम को पूरे इखलास दिल के साथ, इसलिए नहीं कि मेरा मकतब फिक्र यह है उसको साबित करने के लिए कुरान को नहीं लाना, हुज्जत नहीं बना, कुरान को डायरेक्ट उससे जो है इस्तेफादा करने की कोशिश, तो फिर इंशाल्लाह हमारी मिल्लत ना जो है वो खिलाफत कायम हो रही सो जगह है, ना वो सऊदी अरेबिया की जो है जी जो पॉलिसी है मिस्र के साथ इत्तेहाद की बात हो रही है और अपने ही भाइयों को हम जो है कत्ल कर रहे हैं। जो भी हालात मिडल ईस्ट के अंदर हैं, आप देखिए कि क्या इन तालीमात की रोशनी में जो कुरान हमको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या शिराजा इंसानियत का बिखर सकता है? इसमें हम लोग बहुत, अब ये तो मालूम हो गया कि कुरान को तो नहीं बदल सकते, अल्लाह मियां जिम्मेदारी ले लिए, तो शुरू क्या कर दिए लोग उसके इंटरप्रिटेशन में, उसके तफसीर में हम जो है इख्तलाफात जो है निकालने लगे। इसीलिए इकबाल को कहना पड़ा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, ये बेतौफीकी ने तौर क्या है? तो अजीजान ग्रामी, मेरी गुफ्तगू को खत्म करते हुए मैं यही अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो सीधी साफ तालीमात, कोई लग लपेट नहीं है इसके अंदर, कोई फलसफियाना बातें नहीं है। कुरान हर आम आदमी को भी समझ में आता है
और बड़े से बड़े फिलासफर को भी जो है अपनी जगह वो समझ सकता है अपने अपने दर्जों के लिहाज से, लेकिन कुरान हमेशा के लिए। और ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि आखिरत तक अल्लाह ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मेदारी खुद ली है, तो फिर हमको इधर उधर झांकने की क्या जरूरत है जी। मरना यकीनी है, मौत हरगिज तुम्हें ना आए मगर ईमान की हालत में, ये तमन्ना है, तो फिर हमको अपना गौर व फिक्र का रास्ता बदलना होगा, पूरी इखलास के साथ कुरान से रुजू होना होगा, और इकबाल की फिक्र के सहारे अगर आपको समझ में आता है कि उसने वाकई अच्छे नुकात पैदा किए हैं, और जो बातें आपको इब्तिदा में रऊफ साहब ने भी वो चार मिसरों में मजामीन बंधे हुए हैं जी, तो वो दानाए सबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वाद ये सीना, निगाहे इसको मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ता। तो इन बातों को हमारे ईमान को ताजा करती हैं ये चीजें जी, हमारे ईमान को हलावत बख्शती हैं। तो अभी चूंकि रमजान खत्म हुए हैं तो हमारा रब्त कुरान से मजबूत होना चाहिए, कुरान को छोड़ना नहीं। हबल, हबल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कुरान, वला तफरखू, और कुरान को मजबूती से एहतसाम बिल्ला, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, रस्सी क्या है कुरान पाक है, उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुत्तफिक रहो, इख्तलाफी बातें करने वालों को नजरअंदाज करो जी, या उनको अच्छे तरीके से समझाओ भाई नहीं इसमें मत पढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेफाक करो, ईमान पर आओ, इखलास के साथ आओ, अल्लाह के राजी रखने के लिए आओ। तो बहरहाल अगर ये पयाम है हो सदाकत के लिए, जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करे, फूंक डाले ये जमीनों आसमान मुस्तार और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह के खिताब क्या था, दरिया कूजे में बंद था, ये भी आप वाकिफ हैं कि ऐसे खिताबात जब होते हैं तो वक्त की कमी, वक्त की तंगी का हमको एहसास होता है। हमारी ख्वाहिश होती है कि मुखरिब कहता चला जाए और हम सुनते चले जाएं, लेकिन खुद अल्लामा फरमाते हैं एक जगह, तू खादर व आदिल है मगर तेरे जहां में शिकवा है अल्लाह से, तू खादर कुदरत रखने वाला, तू खादर व आदिल अदल इंसाफ करने वाला, तू खादर व आदिल है मगर तेरे जहां में है बंदे मजदूर के, है तंग बहुत बंदे मजदूर के औकात, तो हम जो है औकात से मजबूर होते हैं। अब खिताब पे मैं क्या तबसरा करूं, मगर ये है कि कुछ बातें जहन में आई, इब्तदान में आपने पानी की अहमियत जताई कि उस वक्त क्या थे और अब क्या रास खुल गया है पानी के फवायद का, और ये सब कुरान के तौजी और उसको समझने में। एक जगह अल्लामा फरमाते हैं, अब आप ये देखिए कि बंजर जमीन में अगर आप बीज डालते हैं तो क्या उग सकता है, कुछ कुछ भी नहीं उगता, बीज भी जल जाएगा, लेकिन वो क्या करता है, समंदर से साफ कहते हैं ऐसे बादल को जो पानी लाके खेतों पे बरसाते हैं, तो वो हर बादल को नहीं कहते बल्कि जो मानसून कहते हैं, समझे आप, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, पूछते हैं अल्लाह, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन उठाता है समंदर से सहा। ये इब्तिदा में आपने जो कहा उसके बारे में, खुद ही के बारे में आप जो कहा उसमें भी दो शेर याद आए, खुद ही को ऊंचा कर खुद ही को बुलंद कर आपने कहा, उसमें एक अल्लामा का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी बता तेरी रजा क्या है, ये नहीं कि जम हो गए उसके अंदर बल्कि आपसे मुखातिब हो गए पूछ रहा है, अगर आप में खुद ही की बुलंदी है। और फिर एक जगह फरमाते हैं, न था कुछ तो खुदा था, आपने कहा कि जम हो जाना नहीं है बल्कि शख्सियत बरकरार रखना है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या हो, न होता मैंने के माने है हम बरकरार है शख्सियत हमारी। एक बहुत बड़े आलम का कहना, बहुत बड़े स्कॉलर का कहना है, इंग्लिश में सेइंग है कि कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी उलमा का जिक्र आया, कितने भी बड़े जानने वाले हों, मालूमात रखने वाले हों, एक इंग्लिश की सेइंग है, उसकी कहावत है कि एक बड़े स्कॉलर ने कहा है, बहुत बड़े आलिम ने कहा है, आई एम वन ऑफ द पेबल ऑन द शोर ऑफ नॉलेज ऑफ सी। मालूमात का जो दरिया है, जो समंदर है, उसके किनारे जो चंद पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें से एक छोटा पत्थर हूं। आलिम कह रहा, ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत जानता हूं, मैं वाकिफ हूं, ये तौजी करूंगा, ये करूंगा। एक आलिम की बड़ाई देखिए आप उसके अंदर क्या है, कि वो ये कहता है कि आई एम वन ऑफ द पेबल, पेबल कहते हैं छोटे पत्थर को जो दरिया के किनारे होते हैं, आई एम वन ऑफ द पेबल ऑन द शोर ऑफ नॉलेज ऑफ सी। जिक्र आया मौत के खुर्बत का, तो इकबाल की एक रुबाई है, अगर मुखलिस साहब तस्दीक फरमाएं तो शायद उनके मरने से कुछ पहले, उनके रहने से पहले उन्होंने कही, नसीम अज हिजाज आयत के नायत, सुरूद रफ्ता बाज आयत के नायत, सलामत रोजगारे ई फकीरे, दिगर दानाए राज आयत के नायत। अल्लाह ताला से उनको जो खुर्ब हासिल था, तो उन्होंने कहा कि दिगर दानाए राज आयत के नायत। और फिर आपने कई चीज़ों का जिक्र किया, अल्लाह ताला के दिए हुए हम पर जो कुछ भी एहसानात हैं, जो कुछ भी रहमतें हैं, एक जगह अल्लामा फरमाते हैं, खोला समी देख, फलक देख, फिजा देख, क्या सब समझते हैं, फलक भी समझते हैं, फिजा भी समझते हैं, खोला फलक देख, खोल आँख जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ये डॉक्टर साहब कहेंगे सूरज को मत देखो, मेरा मतलब वो नहीं है, सूरज को देखने से आई साइड चले जाती, पर वहाँ जो है इशारा ये है कि सूरज किस तरीके से तुलू होता है वो देख, किस तरीके से दुनिया को फायदा पहुँचाता है वो देख, फिर किस तरह से गुरूब हो जाता है वो देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। हजरात आपने उनकी इनकसारी का जिक्र करते हुए फरमाया, तो मैं, मुझे शेर तो पूरा याद नहीं है, अगर आप मदद करें तो, यानी मेरी नवाए परेशान, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ, एक जगह फरमाते हैं, मेरी नवाए परेशान, नवा आवाज, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ के मैं हूं महरम वुजू, के मैं हूं महरम महरम रुमुज दुरून खाना, हाँ, के मैं हूं महरम महरम रुमुज मैखाना, दुरून मैखाना, मिसरा मिसरा समझे के मैं हूं महरम, के मैं हूं महरम रुमुज मैखाना। तो असल में मेरी शायरी को जैसा आम शोरा होते हैं वैसा शायरी की परेशानी का इजहार नहीं है, बल्कि मैं जो है जो रुमूज हैं, जो भेद हैं, जो राज हैं, उनके राजों से बखूबी वाकिफ हूँ और उसका जो है मैं इजहार करता हूँ। मैं जो है एक परेशान ख्याल शायर जैसा होता है वैसा नहीं। शुक्रिया। ये दूसरी बात यह है, ये आपने फरमाया, मिसाल भी दी कि भूखा और गरीब और बीमार, उसका जिक्र किया आपने, इसको भी एक शेर के अहाते में बंद कर दिया गया है। यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान, के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी वसत है शेयर करने की। और फिर आखिर में मैं एक चीज़ अर्ज करूँगा, आपने लाइब्रेरीज का जिक्र किया कि लाइब्रेरीज तो क्या घर के लाइब्रेरीज और ये सब जो है तरस रहे हैं अखारी के लिए, बड़े बड़े लाइब्रेरियाँ बंद हैं, उसमें
मुश्तबा हुसैन साहब ने अच्छा कहा कि किसी ने किताब खोला तो अंदर से दीमक उसका शिकवा कर रही थी कि तुम हमको क्यों डिस्पर्स कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। तो मतलब यह है कि दीमक खाती जा रही है किताबों को और नुस्खों को, और हम है कि खामोश बैठे हुए हैं। मैं हमारी मस्जिद के ताल्लुक से एक वजाहत करते हुए कुछ मारूजा करना चाहता हूँ। लाइब्रेरी तो क्या, हमारे पास सिर्फ रीडिंग रूम है, दारुल मुतालिया या कमरे मुतालिया। कुतुब खाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस पे जाके देखिए। हमारे कई ऐसे मेहरबान हैं जो अपने पास किताबें रिसाले मंगाते हैं, किताबें मंगाते हैं, और इंग्लिश के, उर्दू के, हिंदी के, मराठी के, क्या क्या आते हैं नहीं मालूम, तेलुगू के, ऐसे सब पर्चे आते हैं। और लाने वाले कौन हैं? मस्जिद से एक पैसा भी नहीं देते हम किताबों पर। लाने वाले वो हैं जो अपने घर पे मंगाते हैं, पढ़ लेते हैं, बजाय रद्दी में डालने के यहाँ ला के रखते हैं। मगर इससे इस्तेफादा करने वाला कौन है? अज़ान के वक्त आए, नमाज़ पढ़े, चले गए। अरे भाई, दीनी कुतुब भी तो मुताले के लिए हैं, ये भी आपके मालूमात में इजाफा करते हैं। कुछ तो वक्त गुजारिए, कुछ तो उन लाइब्रेरी के अंदर, ताकि कम अज़ कम हमारे जो मेहरबान हैं उनको ये इत्मीनान हो कि भाई बजाय रद्दी में बेचने के मैं यहाँ जो ला के रखा है इससे इस्तेफादा हो रहा है, वरना वहाँ रद्दी के बेचने के बजाय या मस्जिद वाले रद्दी बेच देंगे इसकी। क्या हासिल है? मैं गुजारिश करूँगा, 5 मिनट पहले आइए, 10 मिनट पहले आइए अजान से, या अजान के बाद सुन्नत अदा कर लेते हैं आप, नफील अदा करते कुछ करते हैं तो फिर जाके लाइब्रेरी में बैठिए और कुछ पढ़िए, 2-4 नमाज से। अब मैं बताऊँ, सऊदी अरब के किसी मस्जिद में, मिडल ईस्ट के किसी मस्जिद में चले जाइए आप, अगर वो अजान के बाद 2-3 मिनट नमाज में है और वो दाखिल होता है, फौरन वो एक पारा लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है। 3 मिनट के लिए सही, 4 मिनट के लिए सही। जब अकामत कही जाती है और खड़े होते हैं लोग, तो उससे पहले कई लोगों को आप देखेंगे कुरान बंद करते हुए या पारे बंद करते हुए या कुतुब बंद करते हुए ले जाके उस पर रखते हुए, और सब बंदी होती है। हमारे यहाँ ये है, 15 मिनट पहले आओ, 10 मिनट पहले आओ, 5 मिनट पहले आओ, जाते पहले बढ़ जाएंगे। बस सब किताबें रखी हुई हैं, दीनी कुतुब रखे हुए हैं, कोई इस्तेफादा नहीं करते। अब 3 मिनट, 5 मिनट से 4 आयतें ही सही, 2 आयतें 3 आयतों वाले ही सूरा सही, कोई वो हो, लेकिन वो जो है बराबर पढ़ते हैं। लेकिन ये हमारे पास पढ़ने से किसी किस्म का उंस नहीं है और बदकिस्मती है सर। अब ये आप एक अहम ऐलान कर रहे हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, ये बहुत अहम एक इल्मी मुज़ाकरा है। टीपू सुल्तान रिसर्च सेंटर ये कोई तकरीबन 25 साल पहले क़ायम किया गया था, इसके तहत जो है बाज़ मुजाहिदीन आज़ादी के बायोग्राफीज़ और उनका कंट्रीब्यूशन जो हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिए और जिनको अब फरामोश किया जा रहा है, नई नस्ल तो बिल्कुल वाकिफ नहीं है, तो टीपू सुल्तान रिसर्च सेंटर चाहता है कि वो दोबारा असर नौ उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एक्टिवली जो है उसके फंक्शंस जो है हों। तो चुनाचे इस सिलसिले में 2007 में 150 साल 1857 ईस्वी के बाद 150 साल होने पर जो पहली जद्दोजहद आज़ादी हुई थी, हमने ये जश्न भी मनाया था हैदराबाद में, और उस वक्त जो है एक सोवनीर भी शाय किया था। उसी तरह अब के बार 15 अगस्त को आज़ादी का दिन है, तो हमने एक 18 अगस्त को यानी पीर के दिन उर्दू हाल हिमायत नगर में मगरिब की नमाज के फौरी बाद 7 बजे इंशाल्लाह एक मुजाकरा हो रहा है, जिसमें शिवाजी और औरंगज़ेब के जो ताल्लुकात रहे हैं उसको अंग्रेज़ ख़ास तौर से फ़िरका परस्ती को हवा देने के लिए, हिंदू मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें शाये की, और न सिर्फ वो बल्कि शिवसेना भी जो है ये समझती है कि शिवाजी ऐसा एंटी मुसलमान थे, ऐसी बात नहीं है। इसका सही जायज़ा लेने के लिए एक स्कॉलर हैं जिनका नाम प्रदीप महेशकर है, BA LLB एडवोकेट हैं और नांदेड़ के रहने वाले हैं, और एक डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खिजर साहब औरंगाबाद के हैं, और हैदराबाद के डॉक्टर पांडू रंगा रेड्डी हैं और डॉक्टर चिरंजीवी हैं। तो ये चारों असहाब में से पहले 2 मेहमान मुकर्रर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और दूसरे 2 असहाब इजहार ख्याल करेंगे इस मौजू पर। मौजू क्या है? असरी माखस की रोशनी में औरंगज़ेब और शिवाजी के ताल्लुकात, ये उनवान है। तो मैं आपसे फर्दन फर्दन
उन्वान की पेश नज़र गुजारिश करता हूँ कि अपने दोस्त अहबाब और नौजवान बच्चों के साथ उसमें शरीक हों, ताकि हमको इसमें इंकरेजमेंट भी मिले कि ये वाकई वक्त की आवाज़ है कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ेवारियत के जहर को फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बताएं, हम हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ सेकुलर अकदार के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इसको फ़रोग देना चाहते हैं। खुसूसन नानक सिंह नश्तर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये बखूबी इस पस मंज़र से वाकिफ़ हैं। मैं आप तमाम असहाब से गुजारिश करता हूँ दोबारा कि मौला हमारे आली जनाब गुलाम मिजदानी साहब सीनियर एडवोकेट इस टीपू सुल्तान रिसर्च सेंटर के चेयरमैन हैं और मैं एक सेक्रेटरी हूं उसका, और हम हमारे साथ एक टीम भी है और अपराध की जो इसके लिए कोशा है। आप लोग इसमें शरीक होकर जो है कामयाबी से हम किरार की इस महफिल को, और दूसरा ऐलानात तो आइंदा हफ्ते में जो प्रोग्राम है इस बारे में आप सुन चुके हैं कि आने वाले पीर को हफ्ते को जनाब इकबाल अहमद इंजीनियर साहब का तारीख इस्लाम का 653वां लेक्चर बनवान औलाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके मज़ाहिब, और पीर को असर के बाद वही 5:15 बजे मुफ्ती सैयद इलियास हाशमी नदवी का लेक्चर रमज़ान के असरात हमारी जिंदगियों पर एक महासभा, और उसके बाद आने वाले चहारशंबे को डॉक्टर यूसुफ आजमी आपके माने जाने जाने पहचाने स्कॉलर हैदराबाद और इकबाल ज़हनी रिश्ते और फासले के उनवान से मुखातिब करेंगे। इन तमाम इस्तेमालात में आपकी शिरकत की गुजारिश की जाती है। अगर टीपू सुल्तान रिसर्च सेंटर के बारे में जो ऐलान किया हमारे दोस्त ने, मैं ख़ास तौर पर आपसे इसलिए गुजारिश करूँगा कि कई ऐसी ताकतें हैं हमारे यहाँ जो हिंदुस्तानी तारीख को, कदीम तारीख को नहीं, हालिया तारीख को भी, यानी अभी जैसा ज़माना गुजरा है इस तारीख को, उसको भी जो है तोड़ मरोड़ के इतना पेश कर रहे हैं, मस्त करके पेश कर रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उस उन कोशिशों की जो एक मजम्मत कर रहे हैं वो भी मुअर्रिखीन है कि सब ये इस किस्म से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मैं शिवाजी का जिक्र नहीं, मैं टीपू सुल्तान का जिक्र नहीं करूँगा, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख में जदीद यानी पिछले सदी की सियासत में भी किस कदर तोड़ मरोड़ हुआ है और किताबों में किस तरीके से किया गया है, आपको जो है यानी दर्सी कुतुब में कोर्स बुक्स में भी उसके तस्करे जो है गलत सलत आए हैं, उसके ऊपर भी उंगलियाँ उठी हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये महफिल अटेंड करें। जो दोबारा मैं ऐलान दोबारा मैं आपको बताता हूँ, 18 को है, पीर के दिन है, शाम में 7 बजे उर्दू हॉल ज़रूर।